आतंकी हमले में शहीद नवादा के चंदन कुमार का देर रात अंतिम संस्कार किया गया। शहीद को विदाई देने के लिए हजारों की भीड़ उनके पैतृक गांव में यहां पर उमड़ पड़ी। एक तरफ पूरा वातावरण भारत माता की जय, वंदे मातरम और शहीद चंदन अमर रहे के नारे से गूंज रहा था, तो दूसरी तरफ अंतिम यात्रा में पहुंचे हर शख्स की आंखें नम थी। माँ भारती के वीर सपूत चंदन कुमार का पूरे सैन्य सम्मान के साथ यहाँ पर अंतिम संस्कार किया गया। शहीद की अंतिम यात्रा के दौरान जगह जगह पर लोगों ने उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जिस रास्ते से अंतिम यात्रा गुजर रही थी, लोग पार्थिव शरीर पर फूलों की बारिश कर रहे थे। इससे पहले गांव पहुंचते ही तिरंगे में लिपटे पति के शव को देख उनकी पत्नी शिल्पी के सब्र का बांध टूट पड़ा और वो फूट फूट कर रोने लगी। वो लगातार पति के शव में लिपट कर रोती रही। माँ जयंती देवी, पिता मौलेश्वर सिंह, बड़े भाई पीयूष, छोटे भाई अभिनंदन समेत पूरा परिवार दहाड़ मार कर रो रहा था। ये मार्मिक दृश्य देख लोग वहां पर दहल उठे थे। ग्रामीणों की आंखें भी नम हो जा रही थी। ग्रामीण महिलाओं की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। अपने वीर सपूत की अंतिम यात्रा के दौरान हर किसी के चेहरे पर गम का भाव यहाँ पर साफ देखा जा रहा था। इस दृश्य को देख लोग भावुक भी हो रहे थे। हर कोई शहीद की अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए बेहद भावुक था। उनका पार्थिव शरीर जम्मू कश्मीर से गया के रास्ते नवादा लाया गया और उनके गांव में अंतिम विदाई दी गई। तो शहीद चंदन को यहाँ पर आप बता दें कि पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है। उनका अंतिम संस्कार किया गया कल देर रात और दो अलग अलग तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जिस रास्ते से उन्हें ले जाया जा रहा था उनका अंतिम संस्कार करने के लिए। आपको बता दें कि लोगों ने हर जगह पर यहाँ पर फूलों की बारिश की। तिरंगा का तो उसको फोटोग्राफ कर करके और अपना सीना में लगा कर रखेंगे साथ सब में। मेरा बेटा तो देश की बड़ा सेवा तो चंदन तो अब वही हमारा है ना। क्या चाहते हैं? कहने के तो हमारा बेटा लोग को सर्विस चाहिए। मेरा भाई तो देश के लिए कुर्बान तो हो ही गया है। मेरा भाई जैसा हम चाहेंगे कि बहुत सारे भाई बॉर्डर पर खड़े रहे, उनके अनुसार बनने के लिए संघर्ष करें। जो अब मेरे भाई को मान सम्मान मिला है वो मान सम्मान हकदार सभी होने चाहिए, उसके अनुसार सभी बने। और मैं बहुत गर्व साथ कहूँगा कि मेरा भाई नहीं पूरे भारतवर्ष का भाई था जो आए देश के इतना कुछ करके गया है। देश राजौरी आतंक